फाइनली आई एम विजिटिंग इन चांडिल डैम और अभी हम लोग चना वना थोड़ा ले लिए हैं। जस्ट अभी चांडिल डैम के किनारे में आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। जमशेदपुर सिटी गाइस देख सकते हो, अभी हम लोग घूम रहे हैं तो देख सकते हो पूरा शहर सफाई का ध्यान रखते हुए। सो है गाइस, वेलकम टू माय आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग कल गए थे जमशेदपुर और 5 बजे भोर में ही चल गए, तो इसलिए इंट्रो डालना भूल गए थे, तो अभी इंट्रो डाल दे रहा हूँ। बाकी ब्लॉग बहुत मजा आएगा देखने के लिए, आप लोग ब्लॉग में इन तक बने रहना। तो हम लोग गए थे, कामिल और हम और सोनू और एक फरहान है वो गया था, तो हम लोग 4 जने गए थे, 2 बाइक था हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग गए थे चांडिल डैम घूमे, बहुत मजा आया। उसके बाद जमशेदपुर गए और जमशेदपुर जाने का कारण यह था कि भाई कामिल का एग्जाम था, तो उसका एग्जाम जो है 8 बजे से स्टार्ट था, तो इसीलिए हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा, उसके कारण जो है इंट्रो नहीं डाल पाए। बाकी जमशेदपुर सिटी भी बहुत अच्छा है और बहुत साफ सुथरा, और पीएम मॉल, जुबली पार्क, बहुत सारा जगह घूमे हैं, तो जाओ आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है फरहान भी और कामिल भी जा रहा है, कामिल का एग्जाम चल रहा है, इसलिए जैसे कि देख सकते हो। और हम लोग अभी कहाँ है, अभी हम लोग नवाडी में, नवाडी में है हम लोग, और ये रहा MS-33। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ब्रिज में अभी हम लोग है, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। और सुबह का भी 8 बजे को 8 बजा नहीं है, अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे जस्ट देवी मंदिर के बगल में। TVS रोनिन देख सकते हो, ये भी गाड़ी जा रहा है, 2 गाड़ी हम लोग के साथ जा रहा है, एक बुलेट और एक TVS रोनिन। तो रोनिन भी हेवी भागता है, वाह हेवी है ना फरार, बताओ। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं गाइस जहाँ से चांडिल डैम का बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, देखो भाई। तो अभी हम लोग चांडिल डैम जाने वाले हैं और कामिल और फरहान बहुत पीछे छूट चुका है, तो बोला कि हम लोग आ रहे हैं, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पीछे छूट चुका है। बुलेट के आगे भाई कोई भी गाड़ी, अभी बाइक जो है सब फेल है, तो ये गाड़ी जितना गर्म होता है उतना भागता है, जबकि उसका भी गाड़ी ठीक ही ठाक है, लेकिन सोनू जो है बहुत तेज भगा दिया, उसी में जो है पीछे छूट गया वो लोग का। इधर देखो गाइस, ये पहाड़ जो दिख रहा है इसका जस्ट पीछे में है चांडिल डैम, तो वही चांडिल डैम अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए उन लोग का आने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर साथ में ही चलेंगे, है ना सोनू? हाँ ठीक है गाइस। फाइनली ये लोग आ चुका है गाइस, अभी हम लोग चलते हैं अब चांडिल डैम की ओर, यहाँ से रवानगी होने वाले हैं चांडिल डैम के लिए। कामिल चला रहा था इसलिए बहुत लेट हो चुका है, कितना किलोमीटर पीछे चला गया था कामिल? 13 किलोमीटर पीछे था गाइस, इसलिए लेट हो गया। चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली अभी हम लोग चांडिल डैम के पीछे साइड आ चुके हैं, जहाँ से डैम फुल करके आ रहा है गाइस, देख सकते हो ना, पूरा ऐसा लग रहा भाई दूध दूध गिर रहा है, देख रहे हो पूरा डैम का पानी यहाँ पे गिर रहा। तो और नीचे देखो, ये रहा पुल, ये रहा चांडिल डैम का पहाड़, आर्मी कैंप है ऊपर में, इधर का भी व्यू आप लोग देख सकते हो, इधर दोनों गाड़ी कामिल लोग हैं सारा कोई। तो अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे और उस तरफ से आप लोगों को डैम का व्यू दिखा देंगे, है ना सोनू? चलो चलो, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है, फिर जमशेदपुर चलेंगे। तो गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्किंग कर दिए गाइस यहाँ पे, और ये रहा चांडिल डैम का हल्का फुल्का थोड़ा सा नज़ारा व्यू आप लोग देख सकते हो। अभी गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क कर दिए हैं, यहाँ से पार्किंग हम लोग कटवा लिए हैं, 20 रुपये लिया दोनों गाड़ी का, तो यहाँ पे हम लोग पार्क कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उधर से चलते हैं चांडिल डैम की ओर, और फिर हम लोग कुछ कुछ खाते हैं। अभी हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ खा पी के आए नहीं, सिर्फ हम ब्रश किए हैं उसके बाद आ चुके हैं। चलो जल्दी से। फाइनली आई एम विजिटिंग इन चांडिल डैम और अभी हम लोग चना वना थोड़ा ले लिए हैं, जस्ट अभी चांडिल डैम के किनारे में आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो चना वना सब कोई खा रहा है, एंड डैम का व्यू आप लोग देख सकते हो। उस तरफ देखो गाइस, सिर्फ पानी पानी नजर आएगा, लगता है कि बादल है बट पानी है पूरा, बहुत दूर तक पानी, बहुत सारा, बहुत बड़ा डैम है ये वाला। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर का व्यू, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं लगता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक,
और यहाँ पे बंगाली दुकान बहुत ज्यादा है गाइस, झारखंड में है लेकिन बंगाली लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। अभी हम लोग गाइस बोटिंग का थोड़ा प्लान बना रहे हैं, हम लोग को मन करके बोटिंग करने का, तो देख रहे हैं भाई पर पर्सन है यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है। तो सोच रहे अभी सस्ता वस्ता में निपटाए यहाँ पे, तो अभी जा कर के अभी बात करते, ठीक है, सस्ता में हो सकता है, अगर सस्ता में हो जाए तो फिर अभी बोटिंग करेंगे, और नहीं तो सस्ता नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमको मन कर गया बोट वगैरह देख करके, सोच रहा कि थोड़ा बोटिंग राइड ले ले तो मज़ा ही कुछ अलग होता है, तो देख रहे हैं बस काम बन जाए, है ना सोनू। चलो बात करते हैं, तो चलो आप लोग दिखाते हैं चार घंटे का डिस्काउंट देके बताइए क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट नहीं मिलता है कौन सा, यहाँ यहाँ बात करना होगा, यहाँ बात करना होगा, जा बात कर का सुनो, तो डिस्काउंट कर दीजिए ना जी, 500 कर दीजिए, कैसे देंगे, कैश नहीं मेरे पास, ऑनलाइन ऑनलाइन है, आप अपना नाम, आप अपना QR करवा लीजिए ना, सबके पास ऑनलाइन, मेरे पास भी ऑनलाइन। अभी हम लोग कैश चांडिल डैम के छोटे से होटल में अभी आए हुए हैं, अभी हम लोग चार जगह जो है क्या बोलते हैं यार डोसा, डोसा ऑर्डर किया चार जगह, तो अभी सुबह सुबह का टाइम में अभी डोसा खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई अभी नाश्ता वास्ता करके हम लोग नहीं निकले थे, सिर्फ ब्रश किया था और निकल गए थे, बाकी इधर देख सकते हो चांडिल डैम जस्ट बगल में ये छोटा सा होटल है, और यही होटल में हम लोग खा रहे हैं, देखो बहुत सारा चेयर लगा हुआ है, और व्यू का आनंद लेते हुए बोटिंग वाला काम लग रहा गड़बड़ा गया गाइस, अभी हम लोग पूछने गए थे, एक टाइम बोले कि ऑनलाइन लेंगे, फिर बाद में बोलता है कि नहीं कैश लेना है, इसमें हम लोग का गड़बड़ा गया, अब हमको पैसा भी सेंड कर दिया सोनू लोग सारा कोई कि हम ऑनलाइन मार देंगे बोल करके, अब उसको देने गए ऑनलाइन तो बोलता है कि नहीं कैश लाओ, अब कैश यहाँ पे कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, तो सोच रहे बोटिंग वाला कैंसिल ही कर दे, बाकी चलो ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस अभी आए हुए हैं कामिल के एग्जाम दिलवाने के लिए जमशेदपुर, ये वाला होटल में शायद है रॉयल हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, तो इसी का एग्जाम दिलवाने के लिए आए हुए, देखो बहुत सारे लोग आए हुए यहाँ सब एग्जाम देने के लिए आए हुए, इसीलिए हम लोग को आना पड़ा यहाँ पे, ये देख सकते हो कामिल का एडमिट कार्ड वगैरह, जब हम लोग चलते हैं तब तक कामिल एग्जाम देगा, तब तक हम लोग कहीं से घूम करके आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग आए हुए जुबली पार्क, तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं जुबली पार्क, वैसे फ्री एंट्री है बट यहाँ से हम लोग नहीं घुसेंगे, ये रहा जुबली पार्क का कुछ नज़ारा, अभी हम लोग जो है बैठे हुए हैं बस, थोड़ा सा यहाँ पे पीसफुल लग रहा तो थोड़ा आनंद ले रहे हैं, अभी हम लोग घूम रहे हैं जुबली पार्क, देख सकते हो जुबली पार्क का नज़ारा कैसा है, फ्री एंट्री वाला पार्क है गाइस, देखो बहुत मेंटेन में रखा गया है इस पार्क को, अभी हम लोग घूम रहे हैं, गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा है रांची से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, है ना सोनू, बहुत गर्मी है, हाँ रांची में तो भाई बहुत ठंडापन है, यहाँ गर्मी है, कौवा लोग आज देखो यहाँ पे पानी उनी से नहा रहा, देखो बहुत गर्मी है जमशेदपुर में, बहुत गर्मी इतना इसलिए से नहा रहा। देखो भाई फ्लावर्स का एरिया लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा सजाया गया तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह लगा हुआ है, फव्वारा वगैरह लगा होगा, बाकी देख सकते हो पार्क बहुत बढ़िया है। कामिल का एग्जाम हो गया होगा खत्म, तो इसलिए हम लोग अब निकल रहे जुबली पार्क से, तो इसीलिए हम लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे तो भाई एक अलग ही वाइब मिल रहा है यहाँ पे, इधर दोनों को यार फरहान सोनू, यहाँ पे बहुत ज्यादा रील्स बना है गाइस इस वाले लोकेशन में, देख रहे हो ना। चलो अभी चलते हैं और देखते हैं फिर घूमते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं, जमशेदपुर सिटी गाइस देख सकते हो अभी हम लोग घूम रहे हैं, बाकी रांची से बहुत ही अच्छा है यहाँ का सिटी, आप लोग देख सकते हो ना पूरा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए। कामिल का एग्जाम हो गया है खत्म, कामिल एग्जाम कैसे गया बताओ, का बोल रहा है यार तुमको, बोल रहा गाइस फेल उल होने वाला है, बताइए एग्जाम देने आए होता दूर से रात की थी यहाँ, और बोल रहा फेल उल हो जाएंगे बताइए,
कितना दुख वाला बात है बताइए, ये सब है कि नहीं? यार कुछ कुछ निकलना चाहिए तो पता फेल होता है। और अभी हम लोग हैं बिष्टुपुर में, तो यहाँ का जो देख सकते हो बहुत चौक है, यहाँ पे चौराहा बहुत ज्यादा है देख सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं आगे आगे, फरहान शामिल जा रहा है रोनिर में गाइस। चलिए अभी चलते हैं, और फर्स्ट टाइम ये मॉल भी हम लोग घूमने वाले हैं, यानी कि जमशेदपुर भी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं भाई। सिटी तो बहुत ही बेहतरीन है देख सकते हो ना। चलो चलो चलो, तो फाइनली अभी आ चुके हैं गाइस P&M मॉल। अभी हम लोग यहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग, वहाँ पे सोनू गया हुआ है पार्किंग लगाने, यहाँ पे फरहान लगा दिया अपना गाड़ी। बाकी देख सकते हो इधर पहाड़ भी है, और ये रहा पार्किंग एरिया और फोर व्हीलर का अंदर। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं मॉल के अंदर। कहाँ है उधर से? चलो तो चलिए अभी मॉल दिखाते हैं आप लोगों को गाइस। देखो ये PM मॉल है, बट जो ये मॉल जो है रांची से भाई अच्छा नहीं है, जो बात है क्लियर, क्योंकि भाई यहाँ भीड़ भाड़ है ही नहीं, एक भी भीड़ भाड़ नहीं है, पूरा मॉल सन्नाटा है। गाइस हम लोग PN मॉल में अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं सबसे ऊपर वाला फ्लोर में। यहाँ पे देख सकते हो कैफेटेरिया वगैरह, कैफेटेरिया का एरिया है यहाँ इधर से, बाकी ये मॉल का नज़ारा देख सकते हो, मज़ा आ रहा है। सोनू लोग गया हुआ है, क्या बोलते हैं बात, वो लोग आ रहा है साथ में। देखो भाई नीचे कितना अच्छा सजा हुआ है, ये रहा गाइस गेमिंग जोन, यहाँ पे गेम वगैरह आप लोग खेल सकते हो। देखो गोस्ट हाउस भाई, इस वाला मॉल से तो हमारा रांची का मॉल सब ठीक है, न्यूक्लियस मॉल हो या फिर मॉल ऑफ रांची हो या और भी हाई स्ट्रीट वगैरह, भाई इस मॉल में तो कोई आदमी ही नज़र नहीं आ रहा, सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। सलाम लोग का रांची में भीड़ भाड़ रहता है, हाँ भले मानेंगे कि बहुत बड़ा मॉल है, ये बात तो है, ये बड़ा बहुत है मॉल, लेकिन आदमी का कोई अता पता नहीं है भाई। हाँ मॉल ऐसे ठीक ही ठाक है, वैसे कोई ख़राब नहीं बोलेंगे। बाकी मज़ा आया घूमकर, अभी देखते कहाँ जाते हैं, बाकी आज पूरा जमशेदपुर एक्सप्लोर करने वाले, देखते कहाँ कहाँ जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए, अभी हाईवे पकड़ लिए हैं, और ये देख सकते हो ये हाईवे रहा रांची टाटा रोड। तो अभी जैसे हम लोग निकल रहे हैं, कामिल लोग पीछे छूट चुका है, वही लोग हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी जंगल उंगल देखो गाइस, पूरा जंगल और पूरा एकदम जो है हरियाली, देख रहे हो ना नीचे नाली गया हुआ है, देख रहे हो नदी उदी गंदगी नदी। तो अभी जस्ट हम लोग निकलने वाले हैं, अब वो लोग आए तब ना हम लोग निकले भाई, वो लोग आने में बहुत लेट है, वो लोग बहुत स्लो गाड़ी चलाता है गाइस। गाइस देखो भाई कल जमशेदपुर का आने को वेट कर रहे थे, अरे घर पहुँच गया था, अरे ये उस रास्ता से नहीं आया था, इसीलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, सुबह कंटिन्यू कर रहे है ना सोनू बताओ। ये लोग दूसरा रास्ता से बहुत जल्दी निकल गया था, और हम लोग वहाँ पे बैठ कर वेट कर रहे थे, बताइए ये सब धोखाधड़ी वाला काम करता है कामिल लोग। अभी मैं अपने दुकान पास हूँ जैसे आप देख सकते हो, और इसका काम से हम लोग गए थे, बाकी घूम भी लिए मजा आया। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।